नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका स्वागत है 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है और ये ब्रेकिंग न्यूज संबंधित है बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका महाराष्ट्र में लग चुका है। एक बहुत बड़े नेता ने बीजेपी को टाटा बाय बाय थैंक यू बोल दिया है। मैं आपको बता दूं कि हम आपको लगातार महाराष्ट्र की राजनीति से तमाम वो खबरें दिखाते रहते हैं जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में सुर्खियां बनी रहती हैं और काफी ज्यादा जो है वो चर्चा में रहती हैं, और तभी हम आपको लगातार बता रहे थे कि किस तरीके से महायुति में बैठकों का जोर जो है वो दौर चालू चल रहा है, दौर लगातार चलता चला जा रहा है। काफी कुछ महायुति के अंदर खटपट मची हुई है और ऐसे में हमने देखा है कई सारे जो नेता हैं वो पार्टी छोड़ भी सकते हैं, ये भी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी। अब इसी कड़ी में महाराष्ट्र में बीजेपी को एक बड़ा झटका लग गया है। पूर्व गृह मंत्री ने सभी पदों से इस्तीफा देकर के बीजेपी को छोड़ दिया है। हम आपको बताएं कि हाल ही में महाराष्ट्र में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत पाटिल ने भी जो है वो पार्टी को अलविदा कहा था, वहीं एक और बड़े नेता ने अब बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बहुत बड़ा झटका महाराष्ट्र में बीजेपी को। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, एक बहुत बड़ा नेता खो दिया है। पूर्व गृह राज्य मंत्री डॉक्टर माधव किनालकर ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। किनालकर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को अपना इस्तीफा दे दिया है। मराठवाड़ा के नांदेड़ जिले में बीजेपी के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने या उनके मुताबिक अगर हम चलें तो पिछले महीने में नांदेड़ जिले में बीजेपी को मराठवाड़ा में कई झटके जो है वो लगे हैं। बीजेपी छोड़ने के बाद सूर्यकांता पाटिल, जिनकी मैंने बात बताई, वो सांसद अशोक चौहान की आलोचना भी इन्होंने की थी। उसके बाद अब पूर्व गृह राज्य मंत्री डॉक्टर माधव किन्हालकर ने भी बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। माधव किन्हालकर भोकर निर्वाचन क्षेत्र की जिम्मेदारी थी। ऐसे में सूर्यकांता पाटिल के बाद बीजेपी के लिए ये दूसरा बड़ा झटका माना जा रहा है। डॉक्टर माधव किन्हालकर ने 2014 में अमिता अशोक राव चौहान के खिलाफ भोकर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। उस समय 53,000 करीब वोट पाकर वो चुनाव हार गए थे। उन्होंने 1991 और 99 तक भोकर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस विधानसभा सदस्य के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने 1991 से 95 तक शरद पवार के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार के गृह मामलों में राजस्व और सहयोग राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया और फिर उसके बाद वो बीजेपी के साथ। बहुत बड़ा झटका जो है वो भाजपा को लगा है। इसी कड़ी में सिर्फ इतना ही नहीं है, अब आप देखिए कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जिस तरीके से अदला बदली के आसार नजर आ रहे हैं, उसमें बीजेपी में सूर्यकांता पाटिल के बाद ये सबसे बड़े नेता थे जिन्होंने अभी हाल ही में बीजेपी छोड़ दिया। महाराष्ट्र में कई ऐसे नेता हैं जो लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, जैसे कि संपर्क की राजनीति जो हम कह रहे थे कि चलता रहता है, और ऐसे में एनसीपी के कुछ दल बदलू जो विधायक हैं वो जयंत पाटिल से उनकी मुलाकात भी चल रही है। ऐसा बड़ा दावा और कोई नहीं बल्कि शरद पवार ने कर दिया है। शरद पवार ने कहा है कि मैंने किसी व्यक्ति से मुलाकात नहीं की है जो हमारी पार्टी में वापस आना चाहते हो, लेकिन मुझे पता चला है कि उनमें से कुछ ने जयंत पाटिल से मुलाकात की है। जयंत पाटिल एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख हैं, शरद पवार वाली एनसीपी के। तो आप देखिए किस तरीके से नए नए दाव खेले जा रहे हैं। अब ये जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं शरद पवार, मंगलवार को उन्होंने कहा है कि उनके भतीजे अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी के कुछ विधायकों ने उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं जयंत पाटिल से मुलाकात की है। पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी के विधायकों के जो एनसीपी जो शरदचंद्र पवार हैं उनकी एनसीपी में लौटने की संभावना के बारे में पूछे गए सवाल पर जवाब में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कई मीडिया रिपोर्टर से कहा कि मैंने किसी भी व्यक्ति से मैंने मुलाकात नहीं की है जो हमारी पार्टी में वापस आना चाहते हो, लेकिन मुझे पता चला है कि उनमें से कुछ ने जयंत पाटिल से मुलाकात की है। जयंत पाटिल एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख हैं और अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह जो चूरहा, जैसे मैंने बताया था आपको कि उनके चुनाव चिन्ह को लेकर के भी लगातार शरद पवार की पार्टी में आवाज उठ रही है, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि चूरहा बजाता हुआ एक आदमी के बारे में बात करते हुए पवार ने कहा कि उन्होंने कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, और क्योंकि कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों की जो तुरही वाला चुनाव चिन्ह था उससे मिलता जुलता उनका भी चुनाव चिन्ह था जो आवंटित कर दिया गया था, और सतारा में जो है इसकी वजह से एनसीपी को लॉस जो है वो झेलना पड़ा, काफी कंफ्यूजन की स्थिति हुई, इसको लेकर के चुनाव आयोग में शिकायत भी की गई थी शरद चंद्र पवार की एनसीपी की तरफ से। और अब शरद पवार की एनसीपी ने
पहले दावा किया था कि सतारा में दो चिन्हों के बीच भ्रम के कारण काफी वोटों का नुकसान उन्हें हुआ था। यहाँ शरद पवार के गुट के जो उम्मीदवार को अपने भाजपा प्रतिद्वंदी से हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के देश को गलत दिशा में ले जाने के प्रयास को विफल कर दिया और राज्य चुनावों में भी ऐसा ही जनादेश मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि किस तरीके से रणनीति जो है वो बन रही है, बिगड़ रही है, ये तमाम चीजें जो है वो चल रही हैं। और ऐसे में महाराष्ट्र में बीजेपी से बदला लेने के लिए चाहे वो उद्धव पक्ष हो या शरद पक्ष हो, उन सभी ने जो है कमर कस रखी है। अब लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो तेज तरीके से चल रही हैं और इसी बीच जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है उनको जो झटके लग रहे हैं एक के बाद वो लगातार जारी हैं। अब पहले संसदीय चुनाव में भाजपा को कई सीटें गंवानी पड़ी और अब पार्टी में जो है दिग्गज नेता एक के बाद एक बीजेपी का साथ जो है वो छोड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो बीजेपी के कई सारे नेता जो हैं वो विपक्षी गठबंधन के संपर्क में हैं और जल्द ही कांग्रेस या शिवसेना जो उद्धव पक्ष है या एनसीपी जो शरद पवार के पक्ष में है, कई सारे दलों में जो है इनके दलों में कई सारे नेता शामिल हो सकते हैं आने वाले दिनों में, ऐसी भी खबरें चल रही हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी एक बड़े नेता डॉक्टर माधव किन्हालकर ने किस तरीके से बीजेपी को छोड़ दिया है, वो महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं और मराठवाड़ा के नांदेड़ जिले में किन्हालकर की काफी ज्यादा उनका प्रभाव है उनका। और अब बीजेपी को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जो है चंद्रशेखर बावनकुले को इस्तीफा जो है वो दे दिया है। बता दें कि इस साल के आखिरी में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी की राह आसान नहीं होने वाली। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी लगातार आक्रामक है। शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद ठाकरे और पवार बीजेपी पर जो है वो ऑलरेडी जो है भड़के हुए हैं और लगातार हमला करते रहते हैं। और हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस शिवसेना जो यूपीटी पक्ष है और शरद पवार जो एनसीपी है बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। राज्य में 48 सीटों में से सिर्फ 31 वो निकाल के ले गए और 17 जो है वो सिर्फ मायावती के खाते में आ पाई है। तो ये एक बहुत बड़ा झटके के तौर पर देखा जा रहा है और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के राजनीति में महायुति के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, खासकर बीजेपी के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। और इसी को देखते हुए लगातार जो बीजेपी के शीर्ष के नेता हैं उनकी बैठकें चल रही हैं, रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरीके से पार्टी को वापस जो है महाराष्ट्र की राजनीति में जो है वो दोहराया जाए और जो कुछ खोया है लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से नेताओं का मनोबल जिससे छोड़ के करके जा रहे हैं उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए और साथ ही साथ महायुति के जो गठबंधन दल है उनके भी नेताओं को साथ में लेके कैसे चला जाए, काफी कुछ चुनौतियां जो है इस समय बीजेपी के सामने दिखाई दे रही हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।